आज हम पोर्टब्लेयर टू मायाबंदर के लिए निकले हैं बस में, जो STS बस है, सरकारी बस अंडमान में, और ये बस छूटा है 9:45 को। हम जाएंगे तीसरे कन्वे में और पोर्टब्लेयर टू मायाबंदर का डिस्टेंस है 228 किलोमीटर। कवर करेंगे 7:30 to 8 आवर के बीच में। और ये आपको मैं रास्ते का सारे जगह के बारे में बताऊंगा, जो जो देखने लायक जगह है और अच्छे जगह है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम कन्वे के गेट तक लगभग पहुंचने वाले हैं और कन्वे के वहां से वीडियो लेना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो जरवा आरक्षित क्षेत्र है और यहां पे वीडियो लेना अलाउ, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है। हम कन्वे पार चुके हैं, सामने देखिए वो बोट निकल गया है, तो हम नेक्स्ट बोट में ही पार करेंगे। सामने जो बोट जा रहा है इसमें सैलानी, मतलब यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, वो बाराटांग में जो स्थित केव है उसे देखने जाते हैं। केव के पास में ये एक
पैरोट आइलैंड है जहाँ पे तोते बहुत आते हैं, उसे भी देखने के लिए जाते हैं। तो आप अगर अंडमान से हो तो आप ज़रूर आके देखिए, अगर अंडमान से नहीं हो तो अंडमान घूमने आते हो तो आप बाराडंग ज़रूर आइए और एक केव और पैरोट आइलैंड का आनंद ज़रूर लीजिएगा। तो जो बोट में हम पार होंगे वो बोट आ चुके हैं और ये भिड़ने ही वाला है जट्टी पे। जट्टी पे भिड़ने के बाद उससे जो गाड़ियाँ लेके आए हैं वो उनको नीचे उतारेंगे, उसके बाद हमारा बस और जो गाड़ियाँ हैं उस पार जाने के लिए वो उसमें चढ़ाएंगे। तो हम भी चलिए, बोट भिड़ने ही वाले हैं, उस तरफ चलते हैं, चल के देखते हैं बोट से कैसे गाड़ियाँ उतरते हैं और चढ़ते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। बोट में मैं चढ़ चुका हूँ और पैसेंजर लोगों को पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद पीछे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ चढ़ेंगे। अब इस तरफ उस तरफ तीन तीन छः गाड़ियाँ, उसके बाद बीच में दो बस और फिर हमें उस पार ये पार कर देंगे। कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए एक बोट उस पार जा रहा है और हम इस पार जा रहे हैं। तो ये जो नाला है बड़ा सा, तो इसमें भी पुल बन रहा है, आप देखिए सामने और कुछ कुछ उनका खंभा भी रेडी हो चुका है। तो इसमें और एक लगभग 2 साल लग जाएगा, उसके बाद होप्सो हम भी इसके ऊपर से पार करेंगे, बोट की आवश्यकता नहीं होगी। Oh.
अब हम रंगत पार कर चुके हैं। इसके बाद हमें टोटल 7 पंचायत मिलेगा। जैसे सबसे पहले पंचायत हमें मिलेगा बेटापुर, उसके बाद स्वदेश नगर, उसके बाद हरिनगर, बसंतीपुर, पहलगांव, उसके बाद रामपुर, फिर आपका गया पोकटरा, उसके बाद ही हम लोग मायाबंदर पहुंच जाएंगे। तो हम आपको मायाबंदर तक का वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि आप हम बिल्ली ग्राउंड पहुंचने के बाद वो पूरा अंधेरा हो जाएगा। मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ कि पूरा अंधेरा हो जाएगा, अब थोड़ी देर में ही पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो मैं आपको उसके बाद का वीडियो नहीं बनाऊंगा, नहीं दिखा सकता। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए बाबर इंडियन ब्लॉग। थैंक यू।